फुल स्टॉप के समस्त दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आज ज्योतिष विज्ञान को लेकर के फिर एक नई शख्सियत हमारे साथ हैं, सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर नीलम शर्मा, जिन्होंने नौकरी करते हुए भी यह जानने का प्रयास किया कि लोगों की मदद कैसे की जा सकती है ज्योतिष विज्ञान के द्वारा। ज्योतिष के रहस्य को जानने का उनका प्रयास, उनका अध्ययन काबिले तारीफ रहा है। बहुत सारे लोगों का प्रेडिक्शन इन्होंने बहुत ही खास अंदाज से किया था जो सच साबित हुई थी। तो मुझे लगा क्यों ना मैं एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊं, कुछ विषयों पर बातचीत करूं जिससे बहुत सारे लोगों के जीवन की समस्याएं हल होंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल तो यही है कि चूंकि आप नौकरी कर रही हैं और एक तरह से देखें तो बहुत कम नौकरी करने वाले लोग होते हैं जो ऐसे विषय पर काम करते हैं, तो आपके मन में कैसे आया कि आपको ज्योतिष का अध्ययन करना चाहिए या इस विषय में जानना चाहिए? एक्चुअली मैं सौरभ जी, मैंने अपने अनुभव से जाना है कि लोग बहुत सारी समस्या उनके जीवन में रहती हैं और तरह तरह के समाधान चाहते हैं, परेशान रहते हैं और लोगों के ज्योतिषों के पास जाते हैं, लेकिन अक्सर उनके साथ आता है कि कभी ये यज्ञ करो, कभी ये हवन करो, कभी इतने का दान कर दो। इससे उनकी तत्कालिक रूप से तो उनको एक आशा बनती थी, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं मिलता था। और एक आध घटना मेरे साथ भी इस तरह से हुई, तो मुझे लगा कि मुझे खुद अध्ययन करना चाहिए कि ज्योतिष आगे है क्या, ये कितनी सच्चाई है, इसमें कितना आशा है, कितनी संभावना है कि जीवन में जीवन चुनौतियों का एक सफर है, उसमें संभावना भी है, समस्याएं भी हैं, तो क्यों ना मैं ही उस समस्या का समाधान ढूंढूं। इसी के चलते फिर मैंने ज्योतिष पढ़ना शुरू किया और आज मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि व्यक्ति के जीवन में कुछ है तो 99% कुंडली काम करती है। 99% कुंडली काम करती है। और जो बात आपने अभी अपने ही शब्दों में कहा कि विश्वास, विश्वास बहुत जरूरी होता है। लोग क्या किस पर विश्वास करे, क्यों करे, बड़े कारण हो जाते हैं। आपको कैसे ज्योतिष पर विश्वास हो गया, जो विश्वास आप दर्शकों को दिला पाएंगी? मैंने जो पढ़ा और समझा तो ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ एक साइंस है, वो ना कोई कर्मकांड है, ना कोई अनुष्ठान है। आप जितना उसको थोरोली जानेंगे, जितना उसको अध्ययन करेंगे, जितना प्रैक्टिकल रूप से आपको व्यवहार में चीजें आएंगी, उतना आपका भरोसा बढ़ता जाएगा। तो प्रैक्टिकल रूप से व्यवहार में चीजें आएंगी तो बहुत ही सामान्य आदमी होता है, खास आदमी, सामान्य आदमी, बड़े नॉर्मल से लोग, जिनको साधारण सी जगह पर भी अगर वो कहीं बातचीत करने जाते हैं तो सबसे पहले एक बड़ा विषय आ जाता है शनि का। शनिदेव बहुत प्रचलित है, माने भी जाते हैं लोग, बहुत ज्यादा उनसे भयभीत भी होते हैं, भयभीत किया भी जाता है कि तुम्हारा शनि खराब चल रहा है। एक मतलब ये बातें बहुत तेजी से प्रचलित होती है समाज में। तो उसके बदौलत कोई कहता है कि तुम लोहे का छल्ला पहन लो तो शनि दूर हो जाएगा। मतलब शनि को दूर भगाना है, शनि को पास लाना है, समझ में नहीं आता। तो आपने क्या अध्ययन किया है इस ग्रह के बारे में, शनिदेव के बारे में, वो जो आप बता सके जो लाभदायक हो दर्शकों को? एक्चुअली मैं सौरभ जी, आपने बहुत ही दिलचस्प प्रश्न उठाया है। शनि, मैं आपको बता दूं कि मेरा सबसे पसंदीदा ग्रह है, जिससे लोग डरते हैं और मुझे वो सबसे पसंद है। आज जो आपको आश्चर्य हो रहा होगा सुन के, एक्चुअली मैं शनि क्या है, शनि समस्या भी है और समाधान भी, संभावना भी है। और बिना शनि के, बिना शनि देव की कृपा के कोई भी व्यक्ति ना बड़ा उद्योगपति बन सकता है, ना बड़ा अभिनेता बन सकता है, ना बड़ा राजनेता बन सकता है। शनि के बिना आप जीवन में बहुत आगे नहीं जा सकते। आप जीवन तो गुजार सकते हैं, लेकिन जब तक शनि देव की कृपा नहीं होगी आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। शनि मूलतः न्याय के, दंड के देवता है। वो आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल देंगे। शनि के नाम पर लोग डराते हैं, कभी साढ़े साथी के नाम पर डराते हैं, कभी ढैया बताते हैं, किसी कुंडली विषयोग बन जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि शनि देव से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में शनि किस भाव में बैठे हैं, उनकी दृष्टि किस भाव पर जा रही है और किस डिग्री के हैं, कितनी डिग्री उनको मिल रही है और उन पर किसकी दृष्टि जा रही है। ये सारी चीज़ें देख के तब हम उसका मूल्यांकन करेंगे, तब उसका अध्ययन करेंगे कि शनि इसमें हमारे योग कारक हैं या नेगेटिव प्लैनेट है हमारे लिए। ओके, तो उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन शनि को मैं कहती हूँ कि शनि जितनी समस्या पैदा उससे ज्यादा हमें संभावनाएं देते हैं। मतलब शनि संभावनाओं के देवता हैं, ऐसा आप कह रही हैं? जी बिल्कुल। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है शनिदेव से डरने की। शनिदेव को अगर किसी के भी, मैं इसको चीज को गारंटी से कह सकती हूँ
किसी का भी नेगेटिव इफेक्ट है तो शनि देव के जो भी कारक तत्व तो अगर व्यक्ति उनके अनुसार काम करने लगे, पूरे ईमानदारी से पूरे भरोसे से काम करने लगे, तो मैं 100% गारंटी से कह सकती हूँ कि शनि देव की कृपा उसे जरूर प्राप्त होगी। जब मान लीजिए किसी को नेगेटिव इफेक्ट है भी जी, तो क्या कोई छोटा मोटा ऐसा उपाय जो लोग घर बैठे कर सकें कभी, जिससे उनको लाभ हो जाए, इस वीडियो के माध्यम से लोगों को लाभ मिल जाए? हाँ, इसके लिए सबसे तो अगर शनि आपके अशुभ रूप से काम कर रहे हैं तो बहुत छोटा सा उपाय है कि शनिवार के दिन आप शनि देव के दर्शन कर लें मंदिर में जाकर, और एक सरसों के तेल का दीपक जिसमें थोड़ा सा तेल नित्य रूप से जलाएं शनिवार को शाम को। इसके अलावा पीपल पे जाके भी एक दीपक जला दें सरसों के तेल का, और एक थोड़ा सा 250 ग्राम करीब तेल, उड़द की दाल तेल, काले तेल और सरसों का तेल, और उसमें 1.25 रुपया या 11 रुपये जो भी श्रद्धा हो किसी को दान करना है तो शनि। और इसके अलावा अपने जीवन के आचरण में आपको परिवर्तन लाना होगा, शनि देवता अनुशासन के जीवन अनुशासन लाना होगा, कर्म के देवता आपको निश्चल कर्म करना होगा, आपको सत्य बोलना होगा, आपको शिष्टता से रहना होगा, कोई अनैतिक काम ना आप ना करें, तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा आपको हासिल। आपकी बात तो सामान्य लोग तो बहुत सारे लोग मान भी लेंगे, लेकिन उन लोगों को कैसे आप विश्वास दिलाएंगे जो बहुत थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते हैं या कोई बड़े पद पर पहुंच गए, तो हो सकता है कल के दिन आप ही को कह दें कि आप इतनी अच्छी नौकरी में हैं लेकिन कह दें कि आप अंधविश्वासी हो गई हैं, तो अंधविश्वास और विश्वास के फर्क को कैसे आप परिभाषित करेंगी? जहाँ तक अंधविश्वास विश्वास की बात है तो विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, और आदमी चाहे वो पढ़ा लिखा हो किसी पद पर पहुंच जाए चीजें नहीं बदलती। सौरभ जी, जो चीज चंद्रमा है तो है, गुरु है तो है, नौग्रह है तो है, वो रहेंगे आप कहीं पहुंच जाए, अब वो जीवन में काम आपके करते रहेंगे। बिल्कुल, और इन सब ग्रहों में अगर हम आगे के लिए बात परिचर्चा कभी करना चाहें तो ऐसा कौन सा ग्रह है जो लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है, प्रभाव डालता है, तो कौन आपको आपको इस बारे में आप क्या कहेंगी, कौन सा ग्रह है वो? सौरभ जी, व्यक्ति की कुंडली या व्यक्ति का जीवन 7 ग्रह से चलता है, किसी एक ग्रह को बहुत अधिक और बहुत कम नंबर नहीं दिया जा सकता। मेरा ये कहना कि कुंडली किसी विशेष अच्छे जानकार से दिखानी चाहिए, और जो ग्रह आपका शुभ है उसी को मनाने का प्रयास ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि हम चाहते जो चीज हमारे अंदर अच्छी है हम क्यों ना उसी को और बेहतर बनाए तो जीवन को सरल बना लें, और बहुत खराब जो ग्रह उसको आप थोड़ा अनुकूल बना लीजिए तो जीवन बहुत अच्छे से कट जाएगा आपका, क्योंकि गुरु की भी बहुत अपनी अलग विशेषता है, शनि की भी अपनी अलग विशेषता है, राहु को भी आप इग्नोर नहीं, किसी भी ग्रह को आप इग्नोर नहीं कर सकते, सारे ग्रहों को लेके ही आपको चलना होता, तो कोई बहुत बड़ा या बहुत छोटा कोई नहीं होता। हाँ, लोग शनि से डरते हैं ये अलग बात है, राहु से डरते हैं, राहु के नाम पर लोग डरते हैं, आजकल काल सर्व दोष की नई परंपरा आ गई उससे लोग डरते हैं, लेकिन ज्योतिष से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, उसके उपाय हैं, उसकी सबकी वो समस्या तो उसका समाधान भी है, निश्चित रूप से समाधान है। बिल्कुल, मिला करके अगर आपसे एक सवाल और किया जाए कि कुंडली को लेकर के आपका कितना अध्ययन रहा है? कुंडली को लेकर मैंने पाराशर जी को पढ़ा है, और पाराशर जी को ही मैंने गुरु माना है अपना, और कुंडली की मतलब उसके कुंडली है क्या, ज्योतिष को कैसे पढ़ें, कुंडली के को कैसे जाने, किसी व्यक्ति के जीवन को कैसे सरल बनाया जा सकता है, उसकी समस्या व्यक्ति के जीवन में, हिंदुस्तानी समाज में 4 से 5 समस्याएं किसी के जीवन में रहती हैं, कैरियर को लेकर समस्या होगी, वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है, संतान को लेकर समस्या हो सकती है, और कुछ लोग के ड्रीम्स होते हैं उनको फुलफिल करने की समस्या होती है, इसके अलावा मुझे ही लगता है इस हमारे समाज में कोई और समस्या होती है, तो इन समस्याओं का है तो इसी के आर पारी मैंने सारी चीज़ों को देखा है ज्योतिष में, और ज्योतिष के मैं एक कुंडली के 12 भाव होते हैं जिसमें हर भाव की अपनी अलग विशेषता है, उसमें हर भाव में एक ग्रह बैठता है, किसी पर उसकी दृष्टि होती है, और इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगी जब भी कुंडली का अध्ययन आप करें तो कुंडली सिर्फ लग्न कुंडली सब कुछ नहीं होती, इसके साथ आपको दशा भी देखना होगा, इसके साथ आपको गोचर भी देखना होगा, कोई भी प्रिडिक्शन करने से पहले आपको उसके किसी प्लेनेट को ले लीजिए या किसी हाउस को ले लीजिए, हाउस डॉट को ले लीजिए, उसका जब तक पूर्णतः अध्ययन नहीं किया जाए तब तक प्रिडिक्शन करने से बचना चाहिए, उसके गोचर में वो कहाँ बैठ रहा है, दशा उसकी चल रही है कि नहीं, कोई ग्रह आपको तभी फलीभूत करे जब उसकी दशा चल रही हो,
बिना दशा के कोई ग्रह एक्टिवेट नहीं होता है इसके। अच्छा, जब कभी आप देखती होंगी तो फीलिंग्स अंदर से आ जाती होंगी कि अनुभव होता होगा कुछ, तो वो छठी इंद्री जो होती है वो भी बहुत ज्यादा काम करती होगी आपकी, तभी आप कुछ बता पाती होंगी लोगों को। हाँ, इसको आप ईश्वरी कृपा कह सकते हैं कि जब मुझे ऐसा लगता है और जब मैं प्रेडिक्शन किया तो प्रशिक्षित में अभी तक तो सही गया है, मैं जिसको भी बताया है, इसको छठी इंद्री कह लीजिए या मेरा सबकॉन्शियस माइंड कह लीजिए या शनि महाराज और चंद्रदेव की कृपा कह लीजिए, जो भी आप कह लीजिए। मेरी अपनी कुंडली के लग्न में भी राहु बैठा है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग भी अपना जब खुद को बदला, चीजें बदली, और शनि मेरे पसंद है, मेरे योग कारक ग्रह भी हैं, मैं भी शनि से बहुत डरती थी, आज की डेट में शनि मुझे सबसे पसंद है और मुझे अच्छा भी लग रहा है, उनके रिजल्ट भी मुझे मिले। मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ चीजें आपको। तो ऐसे बहुत कम ज्योतिष के जानकार मिलते हैं जो अपने अनुभव से ही बताते हैं। तो आज नीलम जी से जितनी भी हमारी बातचीत हुई है उसमें जिंदगी और जीवन में सफलता, करियर और वैवाहिक जीवन जितने भी कारण होते हैं उन सब पर उन्होंने बढ़िया प्रकाश डाला है। आगे हम फिर आपको मिलाएंगे कभी किसी ऐसे विषय पर। अगर आपका अपना कोई सवाल है, आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि और बहुत सारे लोगों को मदद मिल सके, ताकि लोग ठगे ना जा सके। तो बने रहिएगा फुल स्टॉप में हमारे साथ।